नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। मैं अपने लेक सिटी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे 1000 फीट की स्लेब की भराई में, छत की भराई में कितने बैग सीमेंट लगते हैं, पूरी डिटेल के साथ बताएंगे दोस्तों और प्रैक्टिकल करके बताएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में देख रहे हैं, अपन स्लेब भर रहे हैं। 1000 फीट की छत है दोस्तों, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है। वर्कर लोग छत की भराई कर रहे हैं दोस्तों। इसमें अपना वीडियो है कि 1000 फीट की छत की भराई में कितने बैग सीमेंट लगते हैं दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। देख लीजिए दोस्तों, ये वर्क कर रहे हैं, रेनफोर्स सीमेंट डाल रहे हैं जो कि छत भर रहे हैं दोस्तों। 1000 फीट छत, जो कि इसका रेशो अलग अलग शहर में अलग अलग हिसाब से बनाते हैं दोस्तों। कोई जैसे एक बैग सीमेंट और डेढ़ बोरी रेती और दो गिट्टी कंक्रीट का मिक्स करते हैं दोस्तों। और हमारे यहाँ जैसे 8 तगरी रेती, 8 तगरी कंक्रीट का रेशो और एक बैग सीमेंट का रेशो यूज़ करते हैं दोस्तों। देख लीजिए, ये स्लेब है जो कि 1000 फीट की स्लेब है। उसकी मोटाई है दोस्तों 5 इंच इसकी मोटाई है दोस्तों। और ये स्लेब कंक्रीट छत भर रहे हैं दोस्तों। इसमें 1000 फीट की छत भरने में दोस्तों प्लेन छत होगी तो 65 से 70 या 80 बैग लग सकते हैं दोस्तों। अगर उसमें बीम है, नाल है और सीढ़ी का रैंप है बीम है, तो उसमें 100 से 110 बैग लग सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। जैसे रेनफोर्स सीमेंट है दोस्तों, छत की भराई में 1000 फीट में 100 बैग लगते हैं बीम समेत। अगर प्लेन छत होगी दोस्तों तो उसमें 60 से 70 बैग लगते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बीम होगी दोस्तों तो उसमें 100 बैग लगते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से वर्क कर रहे हैं ये। इसमें रेशो मिलाते हैं दोस्तों, पूरी डिटेल के साथ ये करते हैं दोस्तों। देख लीजिए, कंक्रीट भर रहे हैं जो कि ये 8 तगरी रेती और 8 तगरी कंक्रीट मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं दोस्तों। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से, और एक बैग सीमेंट यूज़ कर रहे हैं दोस्तों। और छत भरते समय ध्यान रखें दोस्तों कि पानी ज़्यादा नहीं हो और कम भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, और खड्डा नहीं रहना चाहिए दोस्तों। स्लेब एकदम स्मूथ होनी चाहिए एकदम। ठीक है दोस्तों, और कंक्रीट भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, 10-12 mm की कंक्रीट होनी चाहिए दोस्तों। गिट्टी जिसे अब चिप्सी बोलते हैं दोस्तों, और रेत बड़ी लेनी चाहिए दोस्तों, उसके हिसाब से क्या छत का मजबूती होती है दोस्तों। अब आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा कि 1000 फीट की भराई भरने में रेनफोर्स सीमेंट डालने में, यानी कि 1000 फीट की भराई में प्लेन छत में 60 से 70 बैग लगते हैं, और उसमें बीम अगर नीचे होते हैं जो लटक बीम 1 फीट के बीम होते हैं दोस्तों, उसमें अगर इंक्लूड करते हैं तो 100 से 110 बैग लग सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं यहीं। और एक बात दोस्तों, छत भरे करने के बाद दूसरे दिन क्यारे बना के एक एक ईंट लगा के 10 से 15 दिन की उसकी क्योरिंग करनी चाहिए, तराई करनी चाहिए। उससे क्या अच्छा पकता है दोस्तों, और ध्यान रखना चाहिए, हमेशा क्योरिंग करते रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।